एडवाइजर हैं IAMAI के इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, और आपका अपना एक अभी उन्होंने स्टार्टअप भी किया है, 25 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है, और आपने अमूल, पेप्सी, रिलायंस इन्फो, एचडीएफसी लाइफ, इन सब में काम भी किया है। सो ये ऐसे तीन स्पीकर्स हमारे इस पैनल में हैं जो इस सत्र में हम लोग उनसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा डॉक्टर हर्ष वर्मा को कि वो आए और हमें इस सब्जेक्ट पे हमारा जो इसके अपना व्यूज, अपने एक्सपीरियंसेस और कैसे आज के समय में जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो चैलेंज है उसको लोगों के बीच में एज अ अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट किया जा सकता है, उस पर प्रकाश डालें। डॉक्टर हर्ष वर्मा। ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रामभाऊ प्रबोधिनी एंड रवि पोखरना, who was my student once upon a time. I would not like to, मैं थोड़ी सी हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मिक्स मराठी बिल्कुल नहीं आती है, राइट ना। आप सब लोग entrepreneurs हैं, राइट? आप सब entrepreneurs हैं कि नहीं है? बराबर है, राइट? तो आपके लिहाज से मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बात करता हूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे ज्यादा मुश्किल या सबसे ज्यादा रीजन एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं या अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो क्या रीजन है? इनोवेशन, फियर। What else? So if you were to nail down one reason why entrepreneurs tend to fail. Oh, lovely. You are something like an MBA, right? Oh, lovely. Oh, lovely. So why do you think they fail? So that's too academic, right? No, that's true. So the people who are ground level entrepreneurs, how about ladies, you know? Sorry? Confidence? What else? No marketing. No marketing. What do you mean by no marketing? Samajh nahi aaya? Advertise. So aap sabne jo baat ki, mere hisab se wo reason nahi hai ki entrepreneurs fail hote hain. यदि आप कहते हैं ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, सो ऑपरेशनल प्रॉब्लम है इसी वजह से आप हैं। यदि ऑपरेशनल प्रॉब्लम ना हो तो आप नहीं होते। यदि आपको क्रेडिट मैनेज करने में प्रॉब्लम है तो आप नहीं होते। फिर तो हर आदमी एंटरप्रेन्योर बन ही जाता। यदि आप कहें मार्केटिंग की प्रॉब्लम है तो आप नहीं होते। तो सवाल यह आता है, सवाल उठता यह है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, मार्केटिंग क्या है और एंटरप्रेन्योर्स फेल क्यों? तो सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर फेल होता है, उसका रीजन यह है कि जो आपका कस्टमर है वो आपसे बिजनेस करना बंद कर देता है या करता ही नहीं है। ठीक है कि खराब है? खराब है। कोई भी बिजनेस फेल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यदि उसका कस्टमर उसके पास कमिटेड है। जैसे कि एक ऑनेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप होती है, ऑनेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप, एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। अब दूसरा सवाल, जब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपका नल खराब हो जाता है तो क्या मुश्किल होती है अच्छा कारीगर को ढूंढने में? क्या फटाफट मिल जाता है? बहुत मुश्किल होती है।
पहचान की बात में मिलेगा भी नहीं आपको। अब पहचान इस वजह से मुश्किल हो रही है आपको क्योंकि मार्केट में दो तरह के हैं, तीन तरह के, चार तरह के हैं। पहचान मुश्किल इसलिए हो रही है कि अच्छे नहीं है। जब आपकी बिजली खराब हो जाती है तो इलेक्ट्रिशियन लाते हैं आप, तो क्या पहली बार में ही अच्छा मिल जाता है? आपको लगता है कि कुछ फ्लीस करके चले कर गया, कुछ पागल सा बना के चले गया? आप मुझे हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, मुश्किल है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे क्या है, एक तरफ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आप लोग हैं और दूसरी तरफ कस्टमर्स हैं जो कि हम लोग हैं। हम लोगों की लाइफ मिजरेबल है, हम लोगों की लाइफ मिजरेबल है। कोई भी चीज अच्छी लेने चाहते हैं शायद नहीं मिलती है। तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या हुआ फिर? एंटरप्रेन्योर का क्या काम हुआ? एंटरप्रेन्योर का काम यही हुआ ना। एंटरप्रेन्योर कोई फेल ही नहीं हो सकता यदि आप वो करें जो आपका कस्टमर चाहता है। दूसरी बात, यदि आप डिसएग्री करते हैं तो फिर एक मेरे को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन। हम दिल्ली में सिंपल दही पकौड़ी होती है, दही पकौड़ी, उसको खरीदने के लिए अब हम मेरे घर के सामने चार बैठे हैं, 10 कदम जाऊंगा दो बैठे हैं, 1 मील जाऊंगा 10 बैठे हैं, पर मैं अपनी गाड़ी लेके 10 किलोमीटर जाता हूं दही पकौड़ी लेने के लिए, क्यों? तो वो एंटरप्रेन्योर है। और कहां बैठा है वो? वो एक नाले के ऊपर बैठा है और उसकी जो दुकान का साइज है मुझे लगता है 5x5 भी नहीं है, लाइन लगी हुई है। तो सवाल यह है कि एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत बनते हैं और कभी कभी कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स फ्लेवर ऑफ द सीजन है, या एंटरप्रेन्योर हम इसलिए भी बन जाते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए भी बन जाते हैं कि हमारा दोस्त एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा है और हमें लगता है कि एंटरप्रेन्योर आराम से बन के चल जाएगा काम। आंसर इज नो। तो एंटरप्रेन्योर और जो रियल एंटरप्रेन्योर है उसमें फर्क क्या है? एक दो एग्जाम्पल पूछूंगा आपसे। नाइक के जूता खरीदते हैं आप, नाइक के आपने सबने सुना होगा, ओके? तो नाइक के कहां पहनते हैं? नाइक के शूज कहां पहनते हैं? स्पोर्ट्स, दूसरा जिम, वॉकिंग, गोइंग आउट विद पीपल, ओके, लेट्स नॉट एंगेज इन लेक्चर, या दूसरी बात, इन सब चीजों के लिए जो जूते हैं क्या कम है? या 100 की तादाद में है ब्रांड्स, जूते कम है या बहुत हैं? बहुत हैं। और नाइकी का जूता 2500 से लेकर 15000 20-24000 तक आता है। तो जूता कहां पहनते हैं आप? पैर में पहनते होते तो 800 रुपए का ले लेते रिलैक्सो का, नहीं, ज्यादा पैसे तो 1500 का ले लेते। तो जूता कहां पहनते हैं? दिमाग पे। सो एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर किस वजह से बनता है? एंटरप्रेन्योरशिप इज ए फंक्शन ऑफ आई, इज इट ए फंक्शन ऑफ आई? टेफ एग्जाम्पल, यहां पर एक टाइम पे HMT वॉच हुआ करती थी और राशन कार्ड से मिला करती थी, ओके? टाइटन कंपनी आई और HMT खत्म हो गई, एंटरप्रेन्योर, राइट? तो सवाल ये आता है कि HMT क्या बना रही थी जो कि टाइटन ने नहीं बनाया? मेरा सवाल समझ रहे हैं? HMT बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत अच्छी वॉचेस थी, अभी भी चलती हैं और लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिकल आइटम है, बहुत ड्यूरेबल थी, ओके?
तो सवाल यह है कि एचएमटी क्या बनाती थी और टाइटन ने क्या नहीं बनाया। सर आप एमबीए किए हैं, फिर आई थिंक डिस्कशन अलग हो जाएगा। लोग जो यहां पर एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, उसका मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। सॉरी, अपग्रेडेशन, व्हाट एल्स? सो एचएमटी घड़ी बनाती थी, टाइटन ने घड़ी नहीं बनाई। टाइटन ने क्या बनाया? तो जब टाइटन के शोरूम में जाएंगे तो घड़ियां ही हैं, लेकिन टाइटन ने नहीं बनाया, एंटरप्रेन्योर, राइट? सो जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर कई समय पर जो आपके आसपास हो रहा है उसको देख के एंटरप्रेन्योर बन जाता है कि मेरे साथ में एक दुकान खुली हुई है और यह काम कर रहा है, मोमबत्ती बना रहा है, चलो मैं भी मोमबत्ती बनाऊंगा। तो आपने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, या मेरे साथ में कोई शू, अच्छा शू मेकर है, चलो मैं शू बनाऊंगा तो मैं अच्छा एंटरप्रेन्योर बन गया, या कोई बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी का काम करता है वो बहुत सक्सेसफुल है, मैं बन जाऊंगा। पर सवाल नहीं, सो टाइटन ने क्या नहीं बनाया और क्या बनाया? अब आप कस्टमर की तरफ चले जाइए, तो जब आप शोरूम में जाते हैं आप क्या खरीदते हैं? जो आप खरीदते हैं वो एंटरप्रेन्योर को बनाना पड़ेगा। मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं आपसे? यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, राइट, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? जब तो आप स्वैप कीजिए पोजिशन, तो जब आप घड़ी के शोरूम में जाते हैं तो आप क्या खरीदने जाते हैं? क्या? तो एचएमटी ने सोचा लोग घड़ी खरीदने आते हैं तो उन्होंने घड़ी बेहतर बनाते चले गए, लेकिन जब कस्टमर खरीदने जाता है तो वह एक्सेसरी खरीदने जाता है। तो कस्टमर खरीदने जा रहा है, तो सवाल यह आया कि एंटरप्रेन्योरशिप में फेलियर रेट बहुत ज्यादा होता है। तो फेलियर रेट इसी वजह से होता है कि हमारी जो सोच है ओके, वही उसको फेल कर देती है, बिकॉज हम अपनी सोच नहीं ला पाते हैं अपने वेंचर पे। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप की सोचें तो प्रोडक्ट के बारे में ना सोचें, सोचें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके लिए बना रहे हैं। सो डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि जो कस्टमर आपसे खरीदना चाहता है और जो आप दे रहे हैं उसमें फर्क है, और ये जो फर्क है यही सो जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो ये विजन की जरूरत है। क्या हमारे पास विजन है या आंख है? आंख सबके पास है, तो आंख सबके पास है तो सब देख सकते हैं और एक जैसा ही देखते हैं, लेकिन जिसके पास विजन है वो देखता है जो दूसरों को नजर नहीं आता है, और वहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप है। तो सवाल यह है कि बड़े लाइक ओला या उबर, राइट, क्या ओला टैक्सी कंपनी है? इनफैक्ट वो एक ऐसी टैक्सी कंपनी है जिसके पास टैक्सियां ही नहीं है। कैसे दिमाग में आ गया? तो कोई आदमी वो देख रहा है जो टैक्सी वाला नहीं देखता है। तो टैक्सी वाला क्या देखता है? अपनी टैक्सी देखता है, और ओला या उबर ने क्या देखा? कस्टमर देखा। क्योंकि जब हम टैक्सी लेने जाते थे हमेशा ही तंग करता था, टाइम पे नहीं मिलती थी। एंटरप्रेन्योर, सो एंटरप्रेन्योरशिप, अब सवाल यह आता है क्या मुश्किल है आजकल के टाइम पे? आजकल का टाइम बहुत अच्छा है। यदि आपके पास विजन है तो पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट और अब तो सरकार है वो आपको देने के लिए तैयार है, राइट? सरकार तो पैसा दे देगी, पर पैसा सब्स्टिट्यूट नहीं है आपकी इमेजिनेशन का। दूसरी बात, सो इमेजिनेशन, जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, आप क्योंकि छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं तो जो भी छोटा सा वेंचर आपने शुरू किया, जैसे माइक्रो बोलते हैं, बैठिए आंख बंद करके सोचिए
क्योंकि जो आपका दिमाग सोचता है वो सोच रहा है जो आप कर रहे हैं. आपका दिमाग को क्या सोचना चाहिए? वो सोचना चाहिए जो आपका कस्टमर चाहता है कि आप करें. और यदि आप करेंगे तो क्या कैपिटल कॉस्ट है? आजकल प्रमोशन के लिए आपको कोई एडवर्टाइजिंग की जरूरत ही नहीं है. आपका जो मोबाइल फोन है वो अपने आप ही एडवर्टाइज कर देगा. कस्टमर अपने आप ही आ जाएगा आपके पास. चीज होनी चाहिए जो कि कस्टमर चाहता है. राइट? सो ऑल आई एम सेइंग इज इफ यू आर ट्राइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ओके, टेक ए पॉज. सरकार आपको पैसा जरूर दे देगी लेकिन प्लानिंग नहीं देगी. प्लानिंग आपको खुद करनी है. और उसके लिए मैंने जो आपको कहा है कि विजनिंग करनी है. जो भी आपका पापड़ बना रहा है उसको क्या कस्टमर को कुछ जो पापड़ खरीदता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है? और यदि आप सोच लें और वहीं पर वही आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनेगी, वही आपका पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बनेगा, वही आपका रैलिंग पॉइंट बनेगा, वही आपका सोशल मीडिया में टॉक ऑफ द टाउन बनेगा. सो छोटे से बड़े की जर्नी इस वजह से नहीं खराब होती कि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सोच की वजह से. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डॉक्टर वर्मा. अपने एक्चुअली ये सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि इसके लिए एक घंटा बहुत कम है. और बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने जो टिप्स दे रहे थे वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है. और एज अ एंटरप्रेन्योर ये टिप्स मार्केटिंग एक्सेस एंड मार्केटिंग एक अपने आप में आर्ट है जो बात आप कर रहे थे. और ये रियली अगर एज अ एंटरप्रेन्योर हम नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे. हमारे बीच में नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर संजय त्रिपाठी जी हैं जो एक न्यू स्टार्टअप भी अभी आपने स्टार्ट किया है जियोलो के नाम से, जिसके वो को फाउंडर एंड सीईओ हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टिप्स के साथ कुछ अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर करें सो दैट लाइव एक्सपीरियंसेस से हमें कुछ सीखने को मिलता है. थैंक यू सो मच. I think post-lunch session has become very interesting after Dr. Harsh's tips and all. So, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं पांच different company में काम किया. कोई company दूसरा company का एक ही industry में काम नहीं करता. मैं पहले अमूल में काम किया, उसके बाद पेप्सी में काम किया, उसके बाद मेटल में जो बारबी डॉल्स वगैरह बनाते हैं उसमें काम किया, उसके बाद रिलायंस के लिए फ़ोन बेचा, उसके बाद HDFC लाइफ में इंश्योरेंस बेचा. तो मैं जब कंपनी जब चेंज कर रहा था सब लोग मुझे बोल रहे कि तुम दूसरा कंपनी से आए हो, दूसरा इंडस्ट्री से आए हो, ये इंडस्ट्री में कैसे बेचोगे, ये इंडस्ट्री के बारे में तुमको तो कुछ पता नहीं. ये सब सुना है ना आपने, कभी नौकरी के लिए गए होंगे तो सब बोला होगा यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस साइड. सो मैं समझता हूँ कि मेरा जो फंडामेंटल बिलीफ है मार्केटिंग का जो प्रिमाइस है ये बहुत सेम है. जैसे हर्ष जी बोल रहे थे मार्केटिंग कैसे होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर का नीड होना चाहिए, और कस्टमर का नीड को आप कैसे फुलफिल करेंगे तब जाके आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो. बट सबको ये चीज पता है बट लोग क्यों नहीं कर पाते. वो जैसे बोल रहे थे अभी लाइक नो हम स्टार्टअप क्यों फेल करता है, स्टार्टअप इसलिए फेल करता है ऐसा नहीं कि आपका पास प्रोडक्ट नहीं है, आपका पास फंडिंग नहीं है, आपका पास मार्केटिंग नहीं हुआ जो आप सोचते हैं. स्टार्टअप फेल करता है बिकॉज आप मार्केट नीड को नहीं समझ पाते. आप कैसे मार्केट नीड को समझेंगे? जैसे अभी वो अच्छा एग्जांपल दे रहे थे कि HMT और टाइटन का. HMT ने घड़ी बेचा, घड़ी का सबका नीड है. टाइटन आके बोला मुझे घड़ी नहीं बेचना है, मुझे एक एक्सेसरी बेचना है. उसके बाद वो फास्ट ट्रैक में गया, उसके बाद वो टेनिस में गया, वो सब एक्सेसरी है. सो दे थॉट वी आर सेलिंग एक्सेसरीज बट फंडामेंटली दे चेंज कि हम लोग क्वार्ट्ज वॉच बेचेंगे, हम लोग और मैनुअल वॉच नहीं बेचेंगे. तो पहले जो प्रॉब्लम था HMT जो घड़ी था सब लोग घड़ी लाके उसको हर दिन आपको चाबी देना पड़ता था, अभी उसको कोई चाबी नहीं देना पड़ेगा, आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा. बट आप एक कन्वीनियंस सेल किया. सो आपको जब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है आपको ये चीज देखना है आप मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ. जो एक्सपीरियंस का बात कर रहे थे मैं थोड़ा उसको वही टॉपिक को आगे ले रहा हूँ. एक्सपीरियंस आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं एक आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझ में आएगा. हम लोग पहले टैक्सी में जा रहे थे, अभी उबर आ गया, राइट? उसका पहले बीच में और एक सर्विस था, लोगों के याद है बीच में और एक सर्विस आया था जिसमें आप फोन करके बुक कर सकते हैं, मेरू. आज मेरू क्यों नहीं है?
लोगों का दिमाग में क्यों नहीं, सब लोग उबर ओला का बात कर रहे हैं, मेरू का मेरू दिमाग में क्यों नहीं है? कोई बोल सकते हैं? बोलिए. मैं एक सिंपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा. जो हमारा टैक्सी, जो काली पीली टैक्सी जो बॉम्बे में चलता है, मोस्टली जो एक्सपीरियंस देखोगे, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद एक्सपीरियंस, बिकॉज आप बुलाएंगे छोटा डिस्टेंस, बोलेंगे नहीं रुकेगा, वो बोलेगा मुझे वो अभी बोरीवली जाना है आपका, आप जो बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा. जब मेरू आए, मेरू बोला आप मुझे फ़ोन कीजिए, आप जो टाइम में बोलेंगे मैं आऊँगा. तो आप फ़ोन करेंगे, पहले नंबर नहीं मिल रहा होगा और ड्राइवर आधा टाइम नहीं आएगा, आप ड्राइवर आएगा तो रेट भी ज़्यादा है. ओला उबर ने क्या किया, आप जब रेडी हो गए तब जाके आप ढूंढो कब टैक्सी कहां पे है, आप जब लोग बुलाओगे 5 मिनट के अंदर टैक्सी आ जाएगा. जो एक्सपीरियंस जो था, एक्सपीरियंस में अगर आप काली पीली का एक्सपीरियंस को आप 10 से कितना मार्क देंगे? 2. आप मेरू को कितना मार्क देंगे? ओला को कितना मार्क देंगे? एग्जैक्टली. जो आपका एक्सपीरियंस का डिफरेंस, आप हमेशा जब भी कोई चीज आप एंटरप्रेन्योर के हिसाब से सोच रहे हो, मेरा पहला मंत्र है एक्सपीरियंस का डिफरेंस 4 का डिफरेंस रहना चाहिए. अगर पहला एक्सपीरियंस 3 का है, नया एक्सपीरियंस 7 का ऊपर होना चाहिए. अगर नया एक्सपीरियंस 4 का होगा, कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. समझ रहे हो? क्योंकि अगर मतलब साइड वाला, जैसे वो एग्जांपल दे रहे थे, साइड में एक दुकान है, आप बोलेंगे मैं और एक जूता दुकान करूंगा, इसका थोड़ा सस्ता करके यहां पे लगा दूंगा, एक्सपीरियंस में कोई चेंज नहीं हुआ, थोड़ा प्राइस डिफरेंस है, लोग आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि लोगों का आदत है. मैं और एक एग्जांपल देके समझाऊंगा आप. जैसे जब भी आप देखा ई कॉमर्स में, लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह में बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा था, जब डिस्काउंट चल रहा है बहुत ज्यादा बिकता है, डिस्काउंट बंद होने के बाद कितना लोग फ्लिपकार्ट से खरीदते हो? कम हो जाता है, राइट? क्यों? जो डिफरेंस एक्सपीरियंस में जो था वो प्राइस की वजह से था. जब वह प्राइस डिफरेंस उठ गया तो आपने खरीदना बंद कर दिया. समझ रहे? उस तरह से बहुत सारा फूड डिलीवरी कंपनी बॉम्बे में आया था, जो घर पे आके खाना डिलीवर कर लेगा 30% डिस्काउंट, जिस दिन डिस्काउंट उठ गया डिलीवरी कंपनी बंद हो गया. So, आपका जो डिफरेंशिएशन जो है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जब सर्विस बना रहे हो, एक चीज ये देखना चाहिए, मेरा डिफरेंस जो है वो 4 का डिफरेंस रहना चाहिए, मिनिमम 4 का. जैसे मैं अभी एग्जांपल देके बताया, बहुत सिंपल है. आप एक हॉस्पिटल जाते थे, नया हॉस्पिटल जा रहे, क्यों जा रहे? आप देखोगे डिफरेंस जो है, आप उसमें 10 से आप प्राइस के लिए चेंज नहीं करते, बट डिफरेंस के लिए चेंज करते. अगर ज्यादा प्राइस भी होगा आप उसमें स्टिक, ओला प्राइस, अब ओला काली पीली से ज्यादा प्राइस है, राइट? बट हम लोग उसी में जाते हैं, हम लोग ओला उबर अगर मिल जाए तो हम काली पीली नहीं ढूंढते आज के दिन में, क्योंकि हमारा डिफरेंस उतना ज्यादा है. सो हमेशा वो डिफरेंस के लिए फोकस कीजिए. सेकेंड चीज है कि जैसे देर इज नो मार्केट नीड, कोई भी चीज बनने से पहले कोई मार्केट नीड नहीं होता, आप मार्केट नीड क्रिएट भी कर सकते हैं. आप एप्पल का सोचिए, मैं आप और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. पहले 10 साल पहले या 15 साल पहले सबसे फोटोग्राफ में कौन सा नंबर 1 कंपनी था? कोडाक. आज के दिन में है? क्यों नहीं हुआ? कोई क्या है? क्यों कोडाक क्यों नहीं? आप और कोई, और कोई बोल सकता है? आप बोला है अभी, कोई कोडाक क्यों चला गया मार्केट से? नहीं, वो लोग अपग्रेड कर रहे थे. आप अभी देखोगे, अभी मोबाइल फोन जो है, नो, जब मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन में 15 या 20 प्रोडक्ट जो पहले हम लोग खरीदते थे सब उसमें आ गया. तो उसमें फैक्स कर सकते हैं आप इसमें, लेकिन हम लोग पहले जेरॉक्स के पास जाते थे, अभी जरूरत नहीं. आप मुझे वो उसे स्कैन करके किसी के पास भेज सकता हूँ, उसमें फोटोग्राफ आ गया, उसमें मैं मेल भी भेज सकता हूँ, मुझे कंप्यूटर का जरूरत नहीं है. सो वॉच का जरूरत नहीं है, म्यूजिक का जरूरत नहीं है. आप जब सोचो एक प्रोडक्ट में, उन्होंने सोचा कि मैं 15 प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, और फोटोग्राफ क्वालिटी भी अच्छा है, वो डिजिटली आजकल ज़्यादा आप लोग को स्प्रेड कर सकते हो. बट कोडाक ने आप मुझे नहीं पता, नहीं आप कितने लोग जानते हो, कोडाक पहले डिजिटल कैमरा निकाला था, बट वो मार्केट नहीं किया. बोला नहीं, मेरा ये कैमरा अच्छा चल रहा है, मैं डिजिटल कैमरा क्यों मार्केट करूँ, मेरा ही मार्केट खराब होगा ना, और तो किसी के पास है ही नहीं. उसने पहले डिजाइन किया, उसको रख दिया स्टोर रूम में, क्योंकि नंबर 1 कंपनी है ना, तो उसको जरूरत ही नहीं है. तो हम लोग ऐसे हमेशा मिस्टेक करते हैं. हमारे पास नया जो चीज आता है, मेरा दूसरा मंत्र है कि जब आप कोई आपका बिजनेस डिस्टर्ब करने से पहले आप खुद डिस्टर्ब कीजिए, क्योंकि आप अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई दूसरा आके डिस्टर्ब करके चला जाएगा. थर्ड चीज, अब मेरा हिसाब में आप सब स्मॉल मीडियम स्केल का एंटरप्रेन्योर है, आपको हमेशा लगता होगा कि मेरा पास
लेकिन मुकेश अंबानी की तरह एक्सेस नहीं है या दूसरे बड़े लोग के साथ एक्सेस नहीं है. आज के दिन में सबसे बड़ा रिटेलर वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर कौन है? अमेजन. अमेजन के पास स्टोर है? जैसे वो अभी बोल रहे थे सबसे बड़ा टैक्सी कंपनी कौन है? उबर. उबर के पास गाड़ी है? ओके. सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? अभी बिटकॉइन अभी पेपर में पढ़ रहे होंगे, सबसे बड़ा बैंक दुनिया का अभी बिटकॉइन है, उसके पास बैंक कुछ नहीं है. तो आपका पास आज के दिन में कोई फिजिकल प्रेजेंस का कोई जरूरत नहीं है. बट आप इसको कैसे एक्सप्लोइट करोगे? आप कैसे सोचोगे कि मेरा पास फिजिकल प्रेजेंस नहीं होके भी मैं मार्केट बढ़ा सकता हूं? मैं सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल देखा था आई थिंक 2011 और 2012 में. एक जयपुर का टैक्सी ड्राइवर ने यूट्यूब का एक वीडियो बनाया था कि जयपुर का टैक्सी ड्राइवर देखा कि बहुत सारा कस्टमर आते हैं, फॉरेन से आते हैं, और जब फॉरेन से आके जब उसका गाड़ी यूज करते हैं 7 दिन के लिए वो भाड़ा लेते हैं और सबसे ज्यादा उसको वहां पे मुनाफा होता है. तो उसको कोई एक फॉरेनर जाते जाते बोला, अरे आपका तो गाड़ी बहुत, आपका गाड़ी आप बहुत अच्छा ड्राइवर है, आप एक यूट्यूब वीडियो में आपका एडवर्टाइज क्यों नहीं करते? तो वो बोला मुझे तो कुछ पता नहीं. बोला नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपका वीडियो लेके यूट्यूब में डाल देता हूँ, आप खाली खड़े रहिए टैक्सी के साथ, आप बोलिए कि मैं मेरा टैक्सी आपको जयपुर से लेके सब जगह लेके जाएंगे, आप जब ये नंबर में मुझे फोन कर सकते हो. वो बेसिकली नंबर लेके प्लेट लेके खड़ा रहा, वो वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर लिया, उसका पास लाखों का व्यू आया. 2011 और 2012 का बात बोल रहा हूं. आज के दिन में सबसे जो यंगस्टर के बीच में सबसे जो फेमस सिंगर है वो बॉलीवुड सिंगर्स नहीं है, यूट्यूब सुपरस्टार्स है, जो जिनका नाम आपने कभी सुना नहीं होंगे. वो घर पे बैठ के यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, लोग उसको देख के वोट करते हैं. जैसे वो बोले क्वालिटी और कंटेंट का बहुत जरूरत है. मेरा फोर्थ पॉइंट है, आपको ये देखना है कि आप वैल्यू क्या डिलीवर करते हो. जो वैल्यू एंड एक्सपीरियंस बोथ आर वेरी देयर वेरी इंटरलिंक्ड. अगर आपका वैल्यू अच्छा रहेगा आपके पास आपका प्लेटफॉर्म का और जरूरत नहीं है आज के दिन में, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, मीडिया है, सोशल मीडिया अवेलेबल है आपके लिए, आप डिजिटली अपना कंटेंट बना सकते हो. सी पहले एक कोई एक आर्टिस्ट है या कोई बनाने के लिए कोई स्टूडियो में जाके बनाना पड़ता है, अभी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करके कहीं पर डाल सकते हो. तो जो हमारे पास जो बैरियर था, आपको बैरियर को नया तरीके से सोचना पड़ेगा. जो मार्केटिंग पहले जो बैरियर था, जो पहले फिजिकल बैरियर था, आप जो एंटरप्रेन्योर के हिसाब से सोच रहे होंगे, आप सोचो कि मैं इसको बैरियर को कैसे तोड़ सकता हूं. नेक्स्ट पॉइंट है कि फिर आप जब कोई कुछ चीज नया सोच रहे हो उसमें पूरा सब पूरा मत घुस जाइए. मतलब आप नया सोच रहे हो आप इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए. हम लोग जो उसको इंग्लिश में वो लोग बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग. सो प्रोटोटाइप मतलब आप जब प्रोडक्ट बना रहे हो क्विकली उसको टेस्ट कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मुझे अगर फेल करना है, इससे अच्छा कि मैं जब छोटा हूं उस टाइम में फेल कर लूं, रादर देन बड़ा होकर उसके बाद फेल करूं. आप उसको मतलब लोन ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बिजनेस उसके बाद नहीं चला, फायदा नहीं है ना. तो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप करके. इफ यू वांट लाइक यू नो टेस्ट फर्स्ट फेल फर्स्ट, ट्रायल एंड एरर हम जो बोलते हैं. ट्रायल मतलब आप पहले, आजकल बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोपोजिशन MVP एक बनाइए, उसको टेस्ट कीजिए. आपका दोस्तों को भी टेस्ट कीजिए, प्रोडक्ट क्यों चलेगा, प्रोडक्ट क्यों नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट का क्या क्या एक्स्ट्रा क्या है, इसमें USP डालिए. जैसे प्रोडक्ट के साथ आप कैसे उसको बताएंगे कि लोग इसको लेंगे और दूसरा को नहीं लेंगे. जैसे मैं बोला फोर डिग्री डिफरेंस होना चाहिए, उस तरह से उनका पास आपका पास यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए. क्या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इसमें है जो कि ये प्रोडक्ट कस्टमर आपको लेंगे और दूसरा वाला नहीं लेंगे? आप इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा डाला है आपने इसमें? आप अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पिज्जा लाइक नो पिज्जा हट का 30 मिनट्स डिलीवरी, डोमिनोज का 30 मिनट्स डिलीवरी. डोमिनोज 30 मिनट्स डिलीवरी क्यों बोला? क्योंकि लोग जब पिज्जा खाते, पिज्जा कोई डिसाइड करके नहीं बैठा है कि मुझे आज जाके रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाना है. पिज्जा आप कब खाने के लिए सोचते हो? एक आज कुछ बना नहीं है, आज कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं हो रहा है, टायर्ड हो गया, ऑफिस आए हो, कुछ मैच देख रहे हो, कोई दोस्त आ गए, तो उसको अच्छा पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं. तो आपको पता है पिज्जा ऑर्डर करने से इमीडिएटली आ जाएगा, मतलब विदिन आप जब घर पे कुछ बनाने से पहले आके पिज्जा आके आपके घर पे पहुंच जाएगा. बट वो कंपनी ने क्या किया, डोमिनोज क्या किया, बोला मैं उसको स्टैंडर्डाइज कर लूंगा, मैं बोलूंगा 30 मिनट से अंदर अगर आपका नहीं आता है तो आप मुझे पैसा मत देना. बट कितना लोग ऑर्डर किया, अगर 30 मिनट का बाद नहीं आया तो आपने उसको पैसा नहीं दिया? मैं आज तक किसी को सुना नहीं कि वो 35 मिनट हो गया इसलिए उसको पैसा नहीं दिया. बट ये प्रॉमिस बहुत बड़ा जरूरी है. व्हेन यू आर डूइंग ए प्रोडक्ट, माय नेक्स्ट मंत्रा इज डू प्रॉमिस एंड यू हैव टू स्टैंड बाय द प्रॉमिस. इफ यू से आई विल डिलीवर विद इन 24 आवर्स, इन्श्योर दैट यू आर डिलीवरिंग विद इन द 24 आवर्स. इफ यू आर सेइंग दैट दिस सर्विस इज लाइक यू नो
मैं जो सर्विस डिलीवर कर रहा हूं दिस इज विदाउट फेल, इसमें कुछ होगा तो मैं प्रोडक्ट रिटर्न ले लूंगा, तो आप उस सर्विस में स्टिक कीजिए। लाइक एप्पल का फोन अगर किसी के पास होगा, अगर आपका कुछ एक साल के अंदर खराब हो जाएगा आप दे दीजिए, फिर दोबारा आपका नया फोन दे देगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे जाके बोल सकते हैं। वो पहले क्या था कि मैं सर्विस ये कंपनी से लिया हूं, ये मेरा सर्विस स्टेशन है, मैं वहीं पे जाके रिटर्न करूंगा। एप्पल का कोई प्रोडक्ट है अगर खराब हो गया वारंटी पीरियड में, वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे घूम रहे हैं उसको दे देंगे, वो ले लेंगे। अभी अमेजन वगैरह जो आप जो ई कॉमर्स में ऑर्डर करते हैं आपको अच्छा नहीं लगा आप इमीडिएटली रिटर्न ले लेते हैं, तो वो सर्विस प्रॉमिस है। तो सर्विस प्रॉमिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डूइंग। सी खाली मार्केट करना बड़ा चीज नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा चीज है। तो सर्विस प्रॉमिस टाइम है, सर्विस प्रॉमिस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपको देखना पड़ेगा। जैसे वो बोल रहे थे कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, सो मैं अभी यहीं पे रखता हूँ, अभी बाद में क्वेश्चन आंसर में जब रहेगा तो मैं और एड्रेस करूंगा। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। जैसे आपने कहा, जो दूसरा इस सेशन का एक इनोवेशन जो वर्ड था उस पर आपने जो फोकस किया, रियली बिजनेस में अगर इनोवेशन नहीं है तो हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी उसकी नहीं इंश्योर कर सकते। जो जैसे एग्जांपल हमारे पहले स्पीकर ने भी कहा, एचएमटी और टाइटन का एग्जांपल, और ऐसे ही आपने जो इनोवेशन की बात कही, हर एक बिजनेस में आपको इनोवेशंस कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर वो आप नहीं करते हैं तो आप एक चीज को लेके ज्यादा लंबे समय तक नहीं मार्केट में टिक सकते। अब दो चीजें हमारे सामने, दो एक्सपर्ट ने अपनी बात रखी है जो आपने आपको अच्छी लगी होगी। अब जो इस सेशन को चेयर कर रहे हैं माननीय विनय सक्सेना जी, जो केवीआईसी के चेयरपर्सन हैं, और केवीआईसी के बारे में आप सब जानते हैं और बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और आज देश में एक कहें अभी तो ये मतलब पिछले 5 साल में एक चेन ऑफ बिजनेस का एक ट्रेन डेवलप हुआ है। बट केवीआईसी पिछले मैं जब से मतलब पैदा हुआ हूं तब से मैं भी देख रहा हूं कि केवीआईसी का आउटलेट आपको हर जगह दिखता है। तो वो एक चेन ऑफ बिजनेस की शुरुआत बहुत पहले की एग्जैक्टली कब हुई और कैसे हुआ वो आप हम सुनेंगे, लेकिन ये एक ऐसा हब है जहां पर ट्रेडिशनल बिजनेस को, जो स्वदेशी एंटरप्रेन्योर हैं या स्वदेशी आर्टिजन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, और जो गांव-गांव से लोग जो काम कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। और अब पिछले 3 सालों में मुझे ये, मैं बड़े हर्ष के साथ मुझे शेयर करते हुए अच्छा लगता है, और जब भी मैं मिलता भी हूँ आपसे तो मैं हमेशा एक इंटरनल जो हैप्पीनेस होती है, फीलिंग होती है कि आपके आने के बाद 3 साल में केवीआईसी, आप सब ये इस बात से राजी हो तो आप बोलिएगा कि है कि नहीं, 3 सालों में आपको केवीआईसी दिखता है या नहीं दिखता है? आज जो मार्केट में जो चेंज आया है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो या एक्सेसिबिलिटी हो जो हुई है, वो आपकी लीडरशिप में हुई है। और ऐसे स्पीकर हमारे बीच में हैं जो इस सेशन को भी चेयर कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपने अनुभवों से हम लोग, आप यहां भी सर बैठेंगे। सबसे पहले तो मैं रामभाव प्रबोधिनी के इस कैंपस में जो आया हूँ उसे आने की मुझे बहुत खुशी है। इसके पहले भी मैं एक बार आया था और मैं डॉक्टर विनय सरस्वती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस इम्पॉर्टेंट सेशन में बोलने की इजाज़त दी। हमारे दो को पैनलिस्ट मिस्टर त्रिपाठी एंड मिस्टर वर्मा ने बहुत बखूबी जो है वो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज के बारे में बताया, और वास्तव में बहुत इनोवेटिव आइडियाज भी उन्होंने दिए। लेकिन मैं सबसे पहले जो है आपको केवीआईसी क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन क्या है, वो क्या करता है, खादी क्या है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। केवीआईसी खादी इन विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में बना बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। द बेसिक पर्पज वॉज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एट द डोर स्टेप। ये गांधी जी की प्रेरणा से बना, समय ने करवट बदली,
एक समय ऐसा था कि खादी कमीशन ने लाखों रोजगार क्रिएट किए, लेकिन बात को खादी को जो है एक पॉलिटिकल टूल की तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने यूज करना शुरू कर दिया, और खादी एक पहनावा जो है वो बुजुर्गों का रह गया या पॉलिटिशियंस का बन के रह गया। वो खादी जिसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है, इतनी ताकत है कि जो किसी को भी सम्मान के साथ उसके घर पर ही रोजगार दे सकती है, वो समय के साथ खत्म होती चली गई। खादी का टर्नओवर भी हमेशा जो है कम होता चला गया। गांधी जी ने बहुत सोच समझ के, मैं समझता हूं, 1925 में चरखा संघ की स्थापना की, और जो चरखा संघ की स्थापना की उसके पीछे उनका जो मकसद था वो जानना शायद बहुत जरूरी है। वो मकसद था जो विदेशी कपड़ा इस देश में अंग्रेज अपनी मनमानी कीमत पे थोप रहे थे उसका बहिष्कार करना, खादी के द्वारा लोगों को रोजगार देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना, घर में बैठे हुए एक महिला को एक पुरुष को रोजगार देना, उसे सम्मान के साथ जीना दिखाना। और वो समय बहुत सुंदर था। उस पीरियड में हजारों खादी की संस्थाएं बनी, लाखों लोग खादी से जुड़े। मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान एक पहला ऐसा देश है जहां किसी देश की आज़ादी में एक कपड़े का, एक धागे का इतना इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में आपको जो है एक धागा और कपड़े का रोल कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तो हिंदुस्तान ही है। समय के साथ से, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल पार्टीज ने उसे एक टूल की तरीके से यूज किया और कमीशन धीरे धीरे खत्म होता चला गया। मैं अभी 3 दिन पहले ही डॉक्टर तारा गांधी, जो करीब 86 ईयर्स की हैं और जो महात्मा गांधी जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं, उनसे मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि गांधी जी के बाद अगर आज किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है जिसने खादी को बढ़ावा देने के लिए इतना कार्य किया, वो शायद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई, और ये सच है कि आपने देखा होगा कि खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार अपनी मन की बात में इसका जिक्र किया, कितनी बार उन्होंने जो है अनेकों भाषणों में ये बात कही। जब कभी विदेश जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सिर्फ खादी के ही जो है गिफ्ट लेकर जाते हैं देने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री खादी को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, विलेज इंडस्ट्री को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, ये सवाल आपके मन में भी आएगा। क्या वो किसी एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं? ऐसा नहीं। खादी को बढ़ावा देने का मकसद ये है कि खादी के द्वारा, विलेज इंडस्ट्री के द्वारा गांव-गांव में रोजगार क्रिएट किए जाए। ये एक इतना सुंदर सब्जेक्ट है जिसे हमारी पिछली सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया था, भूल गए थे। और आज पिछले 3 सालों में जो खादी की ग्रोथ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो करीब 34% है। खादी का टर्नओवर हर साल जो है 33-34% की स्पीड से बढ़ रहा है। आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रोडक्ट को देख लीजिए, किसी भी आइटम को उठा के देख लीजिए, उसकी ग्रोथ इतनी नहीं, 5-7% डबल डिजिट में किसी की ग्रोथ ही नहीं आपको देखने को मिली, लेकिन खादी में है। इन 3 सालों के अंदर जो चरखा हमारा बेसिक टूल है खादी का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, करीब 27,000 चरखे जो हैं 3 सालों में बांटे गए। मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप ताज्जुब करेंगे कि पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो कितने चरखे बांटे गए हैं, और पिछले 3 सालों में कितने चरखे बांटे गए, तो शायद उस आंकड़े से आपको ताज्जुब हो जाएगा। पिछले 3 सालों में हमने 27,800 चरखे दिए हैं, 6,000 लूम्स दिए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में 14 से पीछे के समय को अगर आप देखें
तो मात्र 266 चरखे दिए गए थे। खादी की ये स्थिति आ गई थी। मैं सहारनपुर के एक गांव में था जहां मैंने मुस्लिम महिलाओं को करीब 300 चरखे दिए और वहां एक खुशी की लहर थी। वो इस वजह से कि चरखे की ताकत को मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। चरखे की वो ताकत है कि मात्र 15,000 रुपए में वो किसी भी व्यक्ति को उसके घर पर बैठे हुए सम्मान के साथ रोजगार दे देता है। आप कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए लेकिन पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। उस सहारनपुर के गांव में उन जब महिलाओं से मेरी बात हो रही थी तो उसमें बीए पास भी थी, इंटरमीडिएट पास भी थी, एक महिला एमए पास भी थी। तो मैंने पूछा कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप चरखा क्यों चलाने के लिए तैयार हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो घरों के नियम हैं वो ऐसे हैं कि हम लोग बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, चरखे के माध्यम से हम अपने घर में बैठ के ही जो है अपना रोजगार ढूंढते हैं और सम्मान के साथ जो है अपना जीवन बिताते हैं। राजस्थान के एक दौसा गांव में एक महिला ने मुझसे कहा कि चरखा जो है मेरे पति का स्वरूप है। मैंने कहा ऐसा आप यूं क्यों कर रही हैं? उन्होंने कहा कि पति का काम है कि वो रोजगार करे, नौकरी करे और धन कमा के जो है घर को चलाए, लेकिन मेरे पति जो हैं हैंडीकैप्ड हैं, वो ये कार्य नहीं कर सकते। ये चरखा जो है मुझे उस रिप्लेसमेंट के तौर पे मिला है और मैं इसे सवेरे पूजा करके जो है चलाती हूँ। मुझे 200-225 रुपये पर डे मिलते हैं, उससे मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। तो खादी की वो शक्ति है और खादी का दूसरा नाम भी ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है। खादी का मतलब है हैंडस्पिन इन हैंड वूमन। आज दुनिया में आप अगर देखें हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट के लिए कितनी कितनी कॉस्ट दी जाती है, लेकिन अफसोस है कि हमारे हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स को कभी किसी ने पहचानने की भी कोशिश नहीं की। मार्केटिंग की हम लोगों ने बहुत नए नए आयाम ढूंढने की कोशिश की और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि उनमें हम लोग सफल भी हुए। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि रक्षाबंधन के समय जो है लोग अपनी बहनों के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं, हम लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट निकालना शुरू किया कि आपकी दो सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर जिसे आप प्यार करते हैं वो आपके घर पर है और दूसरी बहन वो है जो कहीं चरखा और लूम किसी गांव में बैठ के चला रही है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। तो आप एक को उपहार दीजिए, दूसरे को सहकार दीजिए। मैं आपको बताऊं कि इस एडवर्टाइजमेंट का इतना असर हुआ कि करोड़ों रुपए का सेल जो है उस पीरियड में हुआ। ये कनेक्ट करने की बात थी। खादी ने कभी भी पहले बड़े बड़े जो टेक्सटाइल के जायंट्स हैं या रिटेल चेन्स के जो ओनर्स हैं उनसे कभी कांटेक्ट नहीं किया था और इसलिए ऐसा होता था जो खादी के जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो हमारी खादी की संस्थाओं में डंप रहते थे। कुछ संस्थाएं तो ऐसी थी जिनके पास 40-40 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, पिछले 10 सालों से कोई उठाने वाला नहीं। उनको बदला गया। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि रेमंड्स, ABFL, अरविंद मिल्स, इन सब से हम लोगों ने एग्रीमेंट किए और उनसे कहा कि आप अपने इस होम प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म दीजिए, ये जीरो कार्बन फुटप्रिंट है। और आज खादी, मैं आपसे अपील भी करता हूँ, इस देश की नहीं दुनिया की जरूरत है। अगर आपको एनवायरनमेंट को बचाना है तो खादी को ही अपनाना होगा, क्योंकि खादी का एक मीटर कपड़ा बनाने में मात्र 3 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर वही कपड़ा अगर एक मिल में बनता है तो 56 लीटर, मतलब 56 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि खादी का अगर आप जब प्रयोग करते हैं तो आप एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। रेमंड जैसी इंस्टीट्यूशन ने हमसे करीब 2 लाख मीटर कपड़ा खरीदा, ABFL ने भी लाखों मीटर कपड़ा खरीदा। आज जो लेवाइस की जीन्स को आप देखते हैं, मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि वो हमारी खादी की संस्थाएं जो हैं उनको सप्लाई कर रही है। डिजाइन इंटरवेंशन से मैं उसी टॉपिक पे आने वाला हूं जो हमारे दो साथियों ने कहा। डिजाइन इंटरवेंशन से हमने खादी को बदल दिया।
मार्केट की जो डिमांड है उसके लिहाज से आपको अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। अगर आप वही मोटी खादी जो दादाजी के लिए बनती थी उसको बनाते रहेंगे, आपको कोई नहीं खरीद। आज खादी के प्रोडक्ट का मैं कपड़ा आपको बताना चाहूंगा, 100 रुपए पर मीटर से लेकर 3000 रुपए पर मीटर तक अवेलेबल है, और वो भी प्रीमियम पे बिकता है। वो क्यों? कि हमने क्वालिटी को ध्यान में रखा। निफ्ट ऋतुबेरी जैसे लोगों को हमने डिजाइन इंटरवेंशन के लिए जोड़ा, और अभी नवंबर के महीने में हम लोगों ने जितने भी टॉप रिटेल चेन्स के सीईओ हैं उनको यहाँ ही बॉम्बे में बुलाया, उनके साथ मीटिंग की। करीब 29 सीईओज ने पार्टिसिपेट किया उसमें, और बात को आज मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि ग्लोबस आपका कॉटन बाजार, वेस्ट साइड, ABFL, इन सब लोगों ने जो है हमारे साथ एग्रीमेंट किए। और अभी हमने 4 तारीख को नोएडा में ग्लोबस के शोरूम में खादी कॉर्नर का इनॉग्रेशन किया। 23 तारीख को हम अहमदाबाद में करने वाले हैं, 27 को चेन्नई में करने वाले हैं, उसके बाद 1 तारीख को बनारस में करने वाले हैं। और कल ही उनके सीईओ मेरे पास मुंबई में मेरे ऑफिस में थे, मुझे बताने में बड़ी खुशी है। उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग जो हमारे जो मार्केटिंग का तरीका है, जो हमारा पर स्क्वायर फिट जो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जो सेल हो रहा है, हमने मान लीजिए 5000 स्क्वायर फीट हमने जगह ली हुई है किसी मॉल के अंदर, और उसका जो सेल हो रहा है उसे हम निकालते हैं कि क्या हमारा ग्रेड है उसका। अगर 500-600 रुपये पर स्क्वायर का सेल हो रहा है तो उसका मतलब एक बहुत पुअर सेल है। अगर 800 रुपये पर हो रहा है तो उसका मतलब हम 100-100 चल रहे हैं। अगर हम 1150 और 1200 रुपये पर आ रहे हैं तो दैट मीन्स बिजनेस इज गुड। लेकिन मुझे बताने में बहुत खुशी है कि जब उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो नोएडा में जो हम लोगों ने शॉप एंड शॉप अपने ग्लोबस के शोरूम में शुरू किया, उसका जो सेल का जो पर स्क्वायर फिट रेट आ रहा है वो 1840 रुपये। उनको इस बात का यकीन ही नहीं था। वो क्यों? कि खादी ने इन समय में एक अपनी पहचान बनाई है। हमने क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया है, हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इतना ध्यान दिया है कि आज देश के अंदर अगर सबसे बढ़िया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अगर कोई बना रहा है तो खादी बना रहा है। एयर इंडिया पे अगर आप बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं तो आज खादी की किट मिलने लगी। वो इस वजह से नहीं कि कोई चैरिटी कर रहे हैं, वो इस वजह से क्वालिटी। तो आप जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो सबसे पहले आपको क्वालिटी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, दूसरा मार्केट की क्या डिमांड है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मैं KVIC की बहुत सारी स्कीम्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े। प्रधानमंत्री योजना है एक, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। वो एक इतना सिंपल तरीका है, जहां हम लोगों के पास करोड़ों रुपया होता है, हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को 35% तक सब्सिडी भी देते हैं। सब चीज़ें ऑनलाइन हैं, पिछले साल तक ऑफलाइन था लेकिन हम लोगों ने उसको लास्ट ईयर अक्टूबर में ऑनलाइन कर दिया है। और आज अपना फॉर्म जो है आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, भरिए, और उसके बाद बहुत सिंपल तरीके से आपको जो है एक एक स्टेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने लगेगी। वो महिला जो बैठी हुई हैं, जिन्होंने वो एक सवाल किया था कि KVIC में जब लोन के लिए जाते हैं तो बैंक्स जो हैं कोलैटरल सिक्योरिटी मांगते हैं, ये सच है? इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। ये समस्याएं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल PMEGP के माध्यम से हम लोगों ने 4,59,000 रोजगार क्रिएट किए। वो शायद देश का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो KVIC से कंपेयर कर सके। हमारा बजट जो था पिछले साल 1100 करोड़ रुपए का था, लेकिन मंत्रालय ने हमको 180 करोड़ रुपए और दिया हमारी क्षमता को देखकर, और हम लोगों ने 1281 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च किए, और इस साल हमारा 1500 करोड़ का बजट है। तो आप कोई भी व्यक्ति जिसमें थोड़ी सी भी क्षमता है और वो चाहता कि एंटरप्रेन्योर बनना, वो PMEGP के साथ जुड़ सकता है। उसके साथ साथ हम लोगों की स्कीम्स हैं स्फूर्ति। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जगह है जहां पर ऐसे आर्टिजन्स अवेलेबल हैं जो इकट्ठा होकर 500-700 आर्टिजन इकट्ठा होकर एक नया क्लस्टर डेवलप कर सकते हैं, हम लोग 2-2.25 करोड़ रुपए तक जो है फंडिंग करते हैं, और उस पूरे क्लस्टर को जो है आप डेवलप करके अपना रोजगार क्रिएट करिए, उन सबको रोजगार दीजिए और देश के अंदर खुशहाली लाइए। खादी कमीशन का बेसिक काम ही वही है।
और हम उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। डिजाइन इंटरवेंशन, मैंने जैसे आपसे कहा, ये एक बेसिक चीज है। एचएमटी का उदाहरण हमारे साथियों ने दिया, बहुत सुंदर उदाहरण है। अगर एचएमटी ने अपने को बदला होता तो शायद उनको ये दिन नहीं देखने पड़ते, लेकिन एचएमटी ने बदलने की कोशिश नहीं की। खादी ने अगर अपने को बदलने की कोशिश ना की होती, मार्केट के साथ जुड़ने की कोशिश ना की होती, तो शायद खादी भी इतिहास बन गई होती। तो आज का जो समय है वो आपको समय की मांग के साथ चलना है, और आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो सारी दुनिया आपके हाथ में है। आप छोटे छोटे से काम करके जो है एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अभी हम आपसे एक चीज और शेयर करना चाहेंगे। अभी कमीशन ने एक डिसीजन लिया है, खादी मित्र। हमारे बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो सोसाइटीज के अंदर रह रही हैं, लेकिन हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, दिन भर उनके पास कोई काम नहीं। उनको उनके घर पर बैठकर रोजगार दिया जाए और वो कुछ दो पैसे अर्न कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने एक खादी मित्र स्कीम को लॉन्च किया है। खादी मित्र के माध्यम से आप मात्र 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले लेते हैं, अपने घर पर रखते हैं। आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं और ये बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमारे पास खादी के जो हैं अवेलेबल हैं, आप आइए हमारे घर से लेके जाइए। ये प्रोडक्ट जो अवेलेबल है इसकी ये कॉस्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ महिलाओं ने इसको शुरू किया है, जैसे दिल्ली बम्बई में बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ 2,000 लोग एक एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। ये एक बड़ा सफल प्रयोग हुआ है। कुछ पीएमईजीपी के माध्यम से लोगों ने हम लोग से छोटे छोटे से लोन दिए। मैं सक्सेस स्टोरी भी बताना चाहूँगा आपको। वो 20 लाख रुपए का लोन लेने वाला व्यक्ति आज 3-4 करोड़ के टर्नओवर को कर रहा है। मैं बम्बई की ही एक संस्था का नाम लेना चाहूँगा जिसके अली मोहम्मद साहब ओनर हैं। उन्होंने बेकरी शुरू की और साहब वो बेकरी 20 लाख रुपए में उन्होंने लगाई थी, आज 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्वालिटी को इतना अच्छा बनाया कि आज हर आदमी जो है उनकी बेकरी से प्रोडक्ट ले रहा है। तो क्वालिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। गुजरात में भी इस तरीके की बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। गोवा के पास एक पीएमजीपी यूनिट लगी थी जो आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के अंदर फनस, कटहल जिसको बोलते हैं, वो बहुत होता है। उन्होंने वो यूनिट को लगाया, मात्र 25 लाख रुपए का लोन लिया और बेसिक उनका काम ये था कि महिलाओं को उन्होंने गांव की जो है इकट्ठा किया, उनसे कहा कि भाई जंगल में जितना भी ये आपको फनस कटहल लगता है आप लेकर आइए, हम आपको 10 रुपये पर केजी देंगे। 10 रुपये पर केजी में उन्होंने वो कटहल खरीदा, उसके बाद उसकी स्किनिंग की, क्लीन किया, पीसेस कट किए, बॉयल किया, उसमें कुछ वो डालते हो किया, उसके बाद उसकी पैकिंग की। आज ताज्जुब करेंगे आप कि उनका टर्नओवर 8 करोड़ रुपए का है और सारा मटेरियल जो उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। वो क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है कि आज यूरोप के अंदर एक नई चीज पैदा हुई है, लोग नॉन वेजिटेरियन न होकर अपने को वेजिटेरियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कटहल एक जो फील है वो नॉन वेजिटेरियन का देता है, जबकि एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो लोग उसको यूज कर रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। कितनी महिलाओं को उन्होंने करीब जो है ये रोजगार दे दिया और साथ में अपना प्रोडक्ट भी कर दिया। तो करने की क्षमता चाहिए। अगर करने की क्षमता है और कोई ऐसा नया काम करना चाहते हैं आप, तो मैं आपको बताता हूं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। अभी खादी कमीशन ने, मैं आपसे दूसरी बात भी शेयर करना चाहूंगा, कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में श्वेत क्रांति के बाद स्वीट क्रांति की भी जरूरत है। सरकार की ये इच्छा है जो किसान हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं, महिलाएं हैं, उनकी इनकम जो है बढ़े। इसका मतलब था हनी मिशन। हम लोगों ने पिछले 4 महीनों में इस मिशन को अपनाया और मुझे बताने में खुशी है
कि चार महीनों में ही हम लोगों ने करीब 10,800 बी बॉक्सेस को पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया और 31 मार्च तक 100,000 और बी बॉक्सेस को हम देने वाले हैं। यहां पर भी हम लोग आज बी बॉक्सेस लगाने वाले थे लेकिन राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से वो नहीं लगाया। मैं उसके बारे में भी आपसे शेयर करना चाहूँगा और महिलाओं को खास तौर से कहूँगा कि आप इसकी ट्रेनिंग लें, केवीआईसी उसकी फ्री ट्रेनिंग देता है और जब आप हनी मिशन से जुड़ेंगे तो सिर्फ आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ाएंगे बल्कि जो एक किसान जो आपके अगल बगल के एरिया में खेती कर रहा है उसको इतना बड़ा फायदा कराएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। मधुमक्खी, अगर हम मधुमक्खी के जीवन को अपना लें, उससे कुछ प्रेरणा ले लें, मैं समझता हूं कि देश में एक क्रांति आ जाए। वो इतनी पिक्यूलियर होती है अपने काम के मामले में कि हमें उसे सीख लेनी चाहिए। बी बॉक्स मात्र 6,000 रुपए का होता है, कमीशन उसे दे रहा है लोगों को, और एक बी बॉक्स ना लगाएं आप, 10 बी बॉक्स हम लोग जनरली देते हैं एक पर्सन को और उससे कम से कम 50,000 रुपए साल की एडिशनल इनकम होने लगती है। और उसके साथ साथ जो मधुमक्खी 2.5 किलोमीटर के एरिए से जो पोलन और नेक्टर को कलेक्ट करके लाती है, उसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो किसानों को होता है। क्रॉस पॉलिनेशन से क्रॉप जो है वो कम से कम 25-30% उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है। पूरी दुनिया में जो है इसको अपनाया जाता है लेकिन अफसोस है कि देश में उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया और आज प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर फोकस किया है और खादी कमीशन को ये दायित्व सौंपा गया है कि हम उस मिशन को चरितार्थ करें और हम लोग उस पर लगे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं कि आने वाले समय में हनी मिशन के माध्यम से ही हम करीब 50,000 रोजगार जो है एक साल के अंदर क्रिएट करेंगे। महिलाएं उसकी ट्रेनिंग लें और वो एक ऐसा कार्य है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बी बॉक्सेस को एक सही जगह पर रखना है। मधुमक्खी अपना काम करती है, आपको सिर्फ ये देखना है कि उसमें कोई चीटी वीटी ना लग जाए, साफ सफाई देखनी, दस साल ना वो कभी किसी को काटती है। ये धारणा ऐसी है कि मधुमक्खी काट लेगी तो बीमार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इतना सिंपल तरीका है और शुद्ध हनी मिलेगा। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा कि अगर किसान हनी मिशन से जुड़ता है तो ये कितना खूबसूरत होगा। वो गरीब किसान जिसके पास कभी पैसा नहीं होता तो उसके बच्चे, उसका परिवार नमक रोटी खाता है, लेकिन अगर वह हनी मिशन से जुड़ जाता है, वो अपना हनी बेच भी नहीं पाता, कोई बात नहीं, तो कम से कम उसका बच्चा जो है वो हनी रोटी तो खाएगा, उसको कुछ तो न्यूट्रिशन मिलेगा। जिस देश के प्रधानमंत्री की ऐसी भावना हो, मैं समझता हूं कि वो देश पीछे कैसे रह सकता है। मैं चाहूंगा कि आप इस मिशन से जुड़ें, इसे अपनाएं, ये आपके लिए एक रोजगार क्रिएट करेगा। मैं इस पर बहुत लंबा बोल सकता हूं क्योंकि ये विषय भी मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ हमारे डिप्टी सीओ खादी मिशन के जो हैं वो हनी मिशन के बैठे हुए हैं, वो आपको नंबर शेयर करेंगे, आप उनसे मिलें। और मैं चाहूँगा कि PMEGP हनी मिशन के माध्यम से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें, आप रोजगार देने वाले बने, बल्कि ये ना हो कि आप किसी लाइन में खड़े हुए हैं किसी रोजगार पाने के लिए। ये समय मैं समझता हूँ देश में गोल्डन पीरियड है, जहाँ पर भारत सरकार ने इतनी स्कीम्स जो हैं लॉन्च की हुई हैं जिसके माध्यम से लोग अपने घर बैठे जो है कार्य कर सकते हैं। मैं और भी आपको एग्जांपल्स देना चाहूँगा। बनारस में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-15 लाख रुपए का लोन लिया लेकिन आज 15-16 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर आप उनका एवरेज देखें पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट तो 50,000 रुपए का आता है और सफल हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप PMEGP के माध्यम से, हनी मिशन के माध्यम से स्वयं
कुछ ऐसा कार्य करें जो आप खुद तो अपने पैरों पे खड़े हों लेकिन साथ में चार लोगों को और रोजगार दे सकें। ये सेशन बहुत ही खूबसूरत